ओम शांति। आज की तारीख है 31/8/22, गणेश चतुर्थी का उत्सव। तो आप सर्व को शिव पार्वती पुत्र गुणों के पति पूज्य श्री गणेश जी की इस महा उत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है, मीठे मीठे बाप दादा बोले मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करो तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाएंगे। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? उत्तर है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो तो माला माल बन जाएंगे, क्योंकि ये एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। जितना जो दान करेगा, बाप की याद में रहेगा, उतना उसे खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। प्रश्न दूसरा भी है, अपने से कोई भी पाप कर्म न हो उनके लिए कौन सी परहेज चाहिए? उत्तर है, अन्न की बहुत परहेज चाहिए। अनाज जो होता है ना, खाते हम पका के, तो अन्न की बहुत परहेज चाहिए। पापात्मा का अन्न अंदर जाने से उसका असर पड़ता है। हरेक के सर्कमस्टेंसेस देख बाप राय देते हैं। बाबा कहते, जो भी हम भोजन खाते हैं, जहाँ भी बनता है, तो वो भोजन यदि योग युक्त होके पकाया गया या ब्रह्मचर्य व्रत के साथ पकाया गया तो वो भोजन में प्रभाव रहता है, असर रहता है। परंतु अगर हमने बिना पवित्रता के भोजन बनाया या फिर बाप को याद किए बिना भोजन बनाया तो उस भोजन का प्रभाव भी नहीं पड़ता और सर्कमस्टेंसेस भी हमारे आगे समस्या बन के खड़ी हो जाती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, सवेरे उठने का अभ्यास डालना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन जरूर करना है। आधा पौना घंटा भी बैठकर अपने आप से बातें करनी है और बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। नंबर दो, बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए, बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए तीन पैर पृथ्वी पर कॉलेज व हॉस्पिटल को खोल देनी है। बाप समान निरहंकारी बन सेवा करनी है। वरदान सतगुरु बाबा का, चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई न कोई नवीनता का अनुभव करने वाली तीव्र पुरुषार्थी भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं, ज्ञान में नवीनता का अर्थ है समझदार बनकर चलना, अर्थात जो अपने में कमी है उसे खत्म करते जाना। योग के प्रयोग में नवीनता अर्थात उसकी परसेंटेज को बढ़ाना। चारों सब्जेक्ट में स्व की प्रगति की नवीनता, विधि में भी नवीनता, प्रयोग में भी नवीनता, सेवा में नवीनता। औरों को सहज योगी व परसेंटेज बढ़ाने में नवीनता का अनुभव करना माना तीव्र पुरुषार्थी बनना। इसमें ही समीपता का अनुभव करेंगे। स्लोगन है, प्योरिटी की अथॉरिटी है तो सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। अच्छा, मीठे मीठे
सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।